अभी मैं लिटरेचर रिव्यू को फिर से रिव्यू कर रहा था। क्योंकि लिटरेचर रिव्यू मतलब होता है, जब भी हम कोई रिसर्च शुरू करते हैं सबसे पहले हम करते हैं उसका लिटरेचर रिव्यू, मतलब उससे रिलेटेड कितने और आर्टिकल्स आ चुके हैं जिनको हम पढ़ते हैं और अपने लिटरेचर रिव्यू में ऐड करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो स्टडी जो कंडक्ट हुई है पहले, जो हम कर रहे हैं फिर से, उसका कैसा रिजल्ट था, क्या कहाँ दिक्कत आई, कैसे कैसे चीज़ें हुई, जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि मटेरियल मेथड्स, की कौन कौन से मटेरियल मेथड्स यूज़ हुए, ठीक है, कौन कौन से टेस्ट लगाए। तो इट हेल्प्स अलॉट टू अ रिसर्चर जो रिसर्च कर रहा है इस समय। तो अभी मैं फिर से उस चीज़ को गो थ्रू कर रहा था कि क्या पता कुछ नई चीज़ मेरे को दिख जाए। तो लिटरेचर रिव्यू हमेशा करते रहना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू कभी भी एंड नहीं होता, ये समझ लो, ठीक है ना। और अभी टाइम हो चुका है 10:30, थोड़ा सा लेट हूँ मैं, बट कोई नहीं, थोड़ा काम था, ये काम को करना था आज पूरा, तो इसलिए। और आपको दिखाने का मेरा मोटिव भी ये था कि आज का जो ब्लॉग होगा उसमें हम थोड़ा बहुत बताएंगे कि अगर आपका इंटरेस्ट है रिसर्च में तो आप कैसे उसको सेकेंड थर्ड ईयर से ही बूस्ट करना शुरू कर सकते हो, जिससे कि जब आप फिफ्थ ईयर में आओ तो आपको चीज़ें पता हो कि कैसे करनी है। तो करते हैं इस ब्लॉग को शुरू। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ब्लॉग। एंड नीलेश ने कुछ नया इन्वेस्ट किया है, तो तुमने दिखाया सबको? नहीं, चीटिंग 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 करता है तू। नहीं दिखाया? मतलब मैं दिखा नहीं पाया। अच्छा, तो अभी आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, जब तक हम हॉस्पिटल में हैं तब तक तो नहीं दिखा सकते हैं। तो मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ और बता ही देती हूँ कि नीलेश ने एक बहुत बढ़िया रिंग लाइट ऑर्डर करी है। क्योंकि और प्रज्ञा बोल रही थी कि नहीं बहुत महंगी है, मत करो ये वाली, बट मैंने कर दी। नहीं, हमने बहुत सारा देखा था, फिर सोचा कि कुछ ले रहे तो कुछ थोड़ा बढ़िया ले ले, और ऐसा ले जिसमें सारे कलर्स कलर ऑप्शंस हो, ताकि इन केस अगर हमें कुछ रील शूट करना हुआ या कोई शॉर्ट्स बनाना हुआ तो वो इजी हो हमारे लिए। तो इसलिए नीलेश ने लिया और बहुत बढ़िया है वो, उसका पूरा डेमो देगा नीलेश। सो अभी हम लोग नेफ्रो वार्ड गए थे पेशेंट्स देखने के लिए, तो पेशेंट्स आते तो हैं, तो इट्स अ गुड साइन। सो अभी हमारा एक पेशेंट आया हुआ है जो हम रिसर्च कर रहे हैं थायराइड वाली उसमें, और वो अभी अपना टेस्ट करवाने गया हुआ है। होपफुली भगवान करे उसका टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो हमारा एक पेशेंट ऑन इनरोल हो जाएगा, और दूसरा जो हम साथ में एक और पैरेलल स्टडी करने जा रहे हैं। तो हम प्रज्ञा पर डिस्कस कर दिए, अगर हमारे जो अभी गाइड हैं क्लिनिकल गाइड, उन्हें पता चल गया कि हम उसमें भी शुरू हो गए तो वो बोलेंगे तुमसे एक हो नहीं रहा, दूसरे में भी शुरू हो गए हो तुम। हाँ, ये कर लो पहले। तो प्रज्ञा इज वेरी टेंस्ड आउट। होना चाहिए, एक आदमी टेंस खेल ले और एक आदमी चिल मारे। ये इसने क्या बताया? सो अभी हम लोग जा रहे हैं रिसर्च सेल अपना, हमने जो भी नेफ्रो से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसको बताने के लिए मैम को, क्योंकि उसके हिसाब से हम लोग फिर सैंपल साइज करेंगे कैलकुलेट। तो मैं बता रहा था कि जो लोग भी रिसर्च में आना चाहते हैं जिनका इंटरेस्ट है, सबसे पहले है कि आप सेकंड थर्ड ईयर से शुरू कर सकते हो अपना इंटरेस्ट को और बूस्ट करना बाय डूइंग रिव्यू आर्टिकल्स, ठीक है। कोई भी टॉपिक उठाओ उस पर रिव्यू आर्टिकल करना शुरू कर दो। सो आज हम लोग रिसर्च की बात कर ही रहे थे एंड गॉट अपॉर्चुनिटी टू अटेंड दिस सेमिनार, और हाँ, और न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे जो बात
और उन्होंने चीज़ें दिखाई हैं ना, मज़ेदार, मज़ा आ गया। एंड वन मोर थिंग इज़ कि इफ़ एनीबडी नीड्स टॉपिक टू राइट रिव्यू आर्टिकल, हाँ तो वो प्रज्ञा को कॉन्टेक्ट कर सकता है। प्रज्ञा का थोड़ा इसमें, हाँ प्रज्ञा जानती है इस चीज़ के बारे में थोड़ा अच्छा से, तो वो गाइड कर देगी। और वी कैन ऑल्सो डू जूम वीडियो कॉल अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो। और ये हमारे यहाँ पे पड़ोसी मिल चुके हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर। सो आज जो हमने सेमिनार अटेंड करी, थोड़ा सा उसका ब्रीफ बताता हूँ मैं आप लोगों को कि फर्स्टली हमें बहुत कुछ मिला। हाँ मतलब मेरा बैग में रखा हुआ है सब प्रोडक्ट्स, हाँ गिफ्ट, सॉरी प्रोडक्ट्स नहीं, रोज भी मिला। हाँ और न्यू डेली सिस्टम, जैसे कि एक ड्रग है ओंडनसेट्रोन, वो 5-HT3 सेरोटोनिन, मतलब कि हम उसको मोशन सिकनेस में देते हैं। इफ़ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम वॉमिटिंग, लूज मोशन, डायरिया वगैरह उसको हो रहा है अगर, ठीक है, एट अ टाइम ऑफ ट्रैवलिंग, तो हम उसको ड्रग देते हैं ओंडनसेट्रोन। तो वो लेकर आए उसके लिए फिल्म कोटेड टैबलेट, मतलब आपको कुछ नहीं करना, उसको ऐसे निकालना, उसको जीप पर रख देना है, वो आपके सब लिंगुअली एब्जॉर्ब हो जाएगी और फास्ट एक्शन शो करेगी विद इन 10 सेकेंड्स, है ना। सो ये सब चीज़ें जो थी वो बहुत अलग अलग चीज़ें थी। हाँ मैं दिखाता हूँ एक बारी। सो दिस इज़ अ स्ट्रिप, इसको आपको बस यहाँ से इसको खींचना है, इसके अंदर एक स्ट्रिप होगी, इसको जीप पर रखना है, दैट्स इट। और ये है ओंडनसेट्रोन, ठीक है, लिखा हुआ है इसमें। और क्या था, और ये मल्टी वाइटामिन है व्हिच कंटेन कैल्शियम सिट्रेट, फॉलिक एसिड, विटामिन D3। इसको भी क्या करना है, इसको वाटर में डाल के शेक करके बस पी जाओ। सो वन मोर टैबलेट जो है वो है एजिथ्रोमाइसिन, जो हम अपर रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज करते हैं। और तो वो भी जो उन्होंने क्या किया, उसको वो एकदम लिक्विड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के फॉर्म में लेकर आए हैं, है ना, जिसको आप ब्रेक कर सकते हो और आप सबलिंगुअली ले सकते हो। तो मतलब न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब यही होता है कि हमारे पास ऑलरेडी ड्रग्स हैं, बट क्या है कि हम उसका नया नया डिलीवरी सिस्टम को है वो इन्वेंट कर रहे हैं या फिर लेकर आ रहे हैं, जिससे कि पेशेंट जो है वो उसको इजीली ले पाए, प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि इंसुलिन लेकर आओ जो आईवी ना लगे। सो ये भी एक मस्त चीज़ थी। फिर हेपेरिन जो है हम लोग यूज़ करते हैं एंटीकॉगुलेंट, उसको भी बोला कि लेकर आओ जो हम, है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, पहले तो पेशेंट को बहुत, जैसे कीमोथेरेपी, अभी सर है हमारे कैंसर स्पेशलिस्ट, उन्होंने बोला कि कीमोथेरेपी में सब कुछ सही है, बट जो लेडीज है वो डरती है थेरेपी लेने से, क्योंकि बहुत पेन होता है, इंजेक्शन आईवी लगाते हैं फिर ये सब, तो उस चीज़ के लिए हमने बोला उनको, तो ही सेड कि हाँ करते हैं। और बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल्स और एंटी बैक्टीरियल भी हैं जो अभी बनाए गए ऐसे, जो क्या कहते हैं सबलिंगुअली या फिर क्या कहते हैं कैप्सूल फॉर्म में होंगे, जो इजीली आप खा सकते हो। तो मतलब न्यू ड्रग रिलीज सिस्टम मतलब यही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ड्रग हमारे पास है ऑलरेडी, बट हम उसको नए नए डिलीवरी सिस्टम्स में बनाकर, जैसे कि एक्शन फास्ट हो और इसमें बहुत स्कोप है, जैसे कि हमको पता है कि सर की सबलिंगुअल टैबलेट जो होती हैं वो फटाफट से एक्शन शो करती हैं सीएनएस पे जाके, वो एब्जॉर्ब वगैरह नहीं होती हैं, हमारे पेट वगैरह में नहीं जाती हैं, तो वो जो टाइम है वो बचता है, तो उसी टाइम को बचाने के लिए ये सब चीजें जो है वो ड्रग्स वैसी बनाई जा रही है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दवाई जो टैबलेट वो सोलो नहीं कर पाते, उनको फोबिया रहता है कि वो फंस ना जाए, मुझे भी है ये प्रॉब्लम। और सबसे अच्छा मेरे को ये लगा ओंडनसेट्रोन, बिकॉज एट द टाइम ऑफ ट्रेवलिंग आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो और जीप पे रखा हो, काम खत्म। भाई हाँ बहुत दिक्कत होती है, मतलब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। और ये जो है ना, ये फ्लेवर लेमन में भी है, लेमन फ्लेवर ये, हाँ लेमन फ्लेवर। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें कभी ऐसा मोशन सिकनेस होता है तो हम क्या करते हैं, फटाफट से ऑरेंजेस लेने भागते हैं, है ना। हाँ तो हमने किया था, हम लोग जब पठानकोट गए थे ट्रिप के लिए तो हमने लिया था, बट हमने वो आज तक ऑरेंज नहीं खाए। तो ऐसी सब चीजें होती हैं।